धर्म जो है वो लोगों ने मंदिरों, मस्जिदों, मठों, गिरजाघरों तक सीमित करके रख दिया, गुरुद्वारों तक सीमित करके रख दिया है। धर्म के तीन भाग होते हैं। एक होता है मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स ने तत्व मीमांसा, जो उसका एपिस्टेमोलॉजी है वो उसको जानने की कोशिश करना। दूसरा है एथिक्स, नीति शास्त्र, कैसे कपड़े पहनना, कैसे चलना बाहर, कैसा आचरण करना मनुष्य होने के नाते। हम अपने कपड़े उतार कर नहीं चल सकते बाहर, क्यों? नीति शास्त्र ये कहता है कि नहीं, आपको सही ढंग से चलना चाहिए, ढंग के कपड़े पहन के चलिए, आपको मानवोचित गरिमा के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। तीसरा है स्पिरिचुअलिटी, संवेदना, भाव संवेदना। स्पिरिचुअलिटी इज वेरी क्लोजर टू योर इनर इमोशंस, योर कंपेशन, योर फीलिंग्स टूवर्ड द सोसाइटी, इको सिस्टम। अध्यात्म जो है सबसे नज़दीक है हमारी आत्मसत्ता के, परमात्म सत्ता के, और हमारे आसपास की जो संस्कृति है, आसपास का जो इकोसिस्टम है उसके बहुत नज़दीक है, उसके पास जाने की कोशिश करिए। ट्राई टू रिसीव द वाइब्रेशंस, ट्राई टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशंस ऑफ द इकोसिस्टम, तो फिर क्या होगा, आप सब उसके लिए भी जिंदा रहेंगे, पर्यावरण के भी लिए जिंदा रहेंगे, आप अपने आसपास के हर क्षेत्र को समुन्नत बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अगर आपके अंदर संस्कृति होगी, संवेदना होगी, तो संस्कृति, संवेदना, अध्यात्म, विद्या, चार पांच वर्ड मैंने आपको दे दिए, ये सब दे आर ऑल सिनोनिम्स, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो ये कभी अलग नहीं हो सकते।